मैं शेर तो शुरू करदा जी। गीतकारी पत्रकारी ते अदाकारी, गीतकारी पत्रकारी ते मेरी अदाकारी देख के कुछ लोग कहते ने इनू की पता हाले ये न्याणा है, इनू की पता हाले ये न्याणा है। मैं कड़ा किया, मैं उस्ताद बन गया। मेरा सफर बहुत लंबा है, मेरा पेंडा बहुत लंबा है, हाले मैं बड़ी दूर जाना है, हाले मैं बड़ी दूर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हुण इह तां नहीं कह सकदा कि भी बत्ती नवां शहर देख रहे हो, क्योंकि ट्रुथ टेकर तो अमित भाजी पहुंचे ने, दैनिक भास्कर तो पहुंचे ने, परदेसी साहब पहुंचे ने, नवां शहर लाइव तो जोबन पहुंचा है, पंजाबी 365 तो स्पैशली शाम भाजी बलाचौर तो आए ने, रत्तू साहब आए ने, न्यूज़ नेशन तो दुग्गल जी और सारे वीर जिन्हें पहुंचे ने, बहुत शुक्रिया करना चाहना। स्पैशली थैंक्स अमित भाजी का, क्योंकि इन्हों दी फुलवाड़ी है, कड़ी ने सानू जोड़ के रखते हैं, परदेसी साहब ये भी कड़ी ने, बच्चों वांग प्यार करते हैं। और हुण मैं अपनी टीम ना इंट्रोड्यूस करा दिना, विजन तुसी जानते हो, और उन्होंने बिल्कुल नाल अमदाद अली जी ने जिन्होंने इस गाने का म्यूजिक दिता है, और नाल ने सोनू ढिल्लो जी जिन्होंने वीडियो का जिहड़ा फिल्माकण किया है, डायरेक्शन दिती है उसनू। इधर सोहण सिंह ने मेरे 17 साल तो फ्रेंड ने और हमेशा ही साथ देंदे ने चंगे माड़े टाइम विच। दीपा जी ने, इन्होंने बड़ी सपोर्ट की है सानू। बाकी गल करदे हां जी गाने की, गाने का नाम है रौला पै गया। एक्चुअल फुल लाइन है कि कुड़ी बोलती है, प्रवीण भाटा जी बोलते हैं, कहिंदे दब लिया रौला पै गया, तो मुंडा कहिंदा चित डोलिया नहीं हाले, हौसले ना लड़ांगे। इहदे विच असीं एक आइडियोलॉजी देना चाहते हैं, एक फिलोसफी देना चाहते हैं कि तुसीं जदों संसार विच चलदे हो सिस्टम के खिलाफ चलदे हो, क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस टू बी राइट वैन सिस्टम इज़ रोंग। जो सिस्टम रोंग चलता हो बड़ा डेंजरस हो जाता कि तुसी राइट किवें चलना। तो असीं कोशिश की है आम पब्लिक नूं एक सुनेहा देईए कि इस इलैक्शन विच शराब नहीं किताब, किताब नूं प्रमोट करिए, क्योंकि गलियां नालियां दी बहुत गल हो गई, हुण जरूरत है कि असीं गल करिए किताब दी, लाइब्रेरी दी, डिस्पेंसरीज दी, और जिहड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा उसनूं किस तरीके रोकिया जाए। तो यह कोशिश इस गाने राही असीं जिहड़ी आ पहुंचाने की कोशिश की, और उम्मीद करांगे आम पब्लिक इसनों सराहेगी। हालांकि मैंने दो कमेंट्स आए जो पोस्टर रिलीज किया कि तुम भी जरा असला प्रमोट करते हो, लेकिन ये असले की जी दुरवरतों की जा रही है उन्होंने ये दिखाया कि वो अगेंस्ट पेंसिल कलम बहुत अच्छा काम कर सकती है, और असी कलम चलाने की गल की। तो जे किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, उन्होंने ये गाने की वीडियो क्लीयर कर देगी, क्योंकि जोड़ा हरा पेन आ वह बहुत की किस्मत बदल सकता, पर उदो बदलेगी जो किस्मत बदलन वाला आप सुजा होवे, उदी आप जिहड़ी सोच है वह सुचारू होवे, विवेकपूर्ण सोचता होवे, एक पासड़ ना होवे, लालची ना होवे, वह लोगों बारे सोचता होवे। तो यही मैसेज देने की कोशिश की है। महेश जी भी पहुंचे ने, खुद कलाकार ने, तो थैंक यू वेरी मच। जे तुसी कोई सवाल लेना चाहो साडी पूरी टीम तो, और अमदाज जी भी ने, सोनू ढिल्लों, सोहण सिंह, विजय, तुसी कोई सवाल लेना चाहो तो असी जवाब देने लई तैयार हैं जी। अज 2 बजे हो रहा जी, अज दोपहरे 2 बजे, और साढ़े चैनल से असी ऑलरेडी जी अपने ऑडियंस न कुछ वीडियोज पा दी है, और हम थोड़े हौसले न एक घर घर तक पहुंच जाएगा जी। सब तो पहला तो सॉन्ग कटिया बहुत बहुत बधाई सारी टीम जी। सर जो गाना रिलीज किया मेन मोटिव की है? देखो मोटिव एदा है कि समाज में जो असं विचरते हैं हुण जिद्दां पत्रकारी च विच, तो मैं बड़ी बार देखा, मैं अगे परदेसी जी नूं वी कहा सीगा, अमित भाजी नूं वी कहा सी कि मेहनत बहुत है, एक पत्रकार की मेहनत शायद लीडरां तों ज़्यादा है, कल्ले कल्ले बंदे नूं मिलदे और इन्हां नूं कोई बेनीफिट नहीं हुंदा। मैं अपनी गल करां, सानूं कोई बेनीफिट नहीं है, कोई एक्सट्रा अर्निंग नहीं है, हरेक का दुख सुनना, हरेक नूं सहारा देना, वह जदों असीं ग्राउंड ते वर्क करदे आ तां बहुत लोक मिलदे आ, लोकां दीआं की तकलीफां असीं उत्तों जाणू हुंने आ, और वह तकलीफ असीं अपने मन ते वी हंडाउंदे आ। कई वेले असीं विचरदे तां अपनी अख विच वी हंझू आ जांदा। तो यह 7 मिंट के कंसैप्ट विच बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है, जिहड़े दबे कुचले लोग आ, मजलूम ने, गरीब गुरबे ने, उन्हां दी गल करन दी कोशिश की है। पर मैं इहदी इक रियलिटी दस दिंदा, जदों इह गाणा लिखिया सी एक्चुअली मैं पहलां एक लोक तत्थ करना चाहुंदा सी, फिर मैं अमदाज जी नूं मैसेज किया, वह कहिंदे कि सीजन तां हुण मूहरे इलैक्शनस दा आउण वाला है, ते जे इलैक्शनस दे रिलेटड कुछ कर सकीए, फिर एक वर्ड असीं सोचिया कि दब दा, क्योंकि लास्ट इलैक्शन 2019 बड़ा प्रमोट होया सी। फिर मैं उन्होंने कुछ
लाइन्स बना के भेजिया, कुछ कंपोजिशन बना के भेजी इन्होंने, फिर यह जो गाना सिलेक्ट किया फाइनल कर लिया। उस तो बाद मैं गीत पूरा जो शुरू किया किसानी अंदोलन चल रहा है, गीत किसानी अंदोलन के पक्ष में सोच के लिखिया, फिर किसानी अंदोलन आप जित लिया, फिर वो हिसाब ना उन्होंने ढा के द्वारती बनाया, फिर उस तो बाद संयुक्त समोच समाज मोर्चा पार्टी बन गई, फिर ढाया, तो मतलब चार बारी गाना ढा के द्वारती बनाया और एंड विच फिर रियलिटी उही है, जेडे गरीब गुजल गरीब गुरबे कुचले लोग आ, मजलूम लोग आ, उन्हां दी सच्चाई पेश करने की कोशिश की थी। सूरी साहब ये तो पहला भी तुसी गीत कीते ने? बड़े कीते ने जी, पर कभी रेकग्नाइज नहीं हुए। और मैं तो कई वेले विजय नूं दसदा भी हुंना कि जदों असी पहला गाने कढे उदों किसी ने कोई सैल्फी नहीं कराई, अमित भाजी उदों तरसदे हुंदे सी यार साडा भी टाइम आऊगा, लेकिन जदों तू आ माइक फड़ लिया हुण लोकी कई वेले सैल्फियां कराउंदे ने, पर हुण इक जिम्मेवारी आ जी, हुण उह क्रियोसिटी नहीं रही कि फैन फॉलोइंग होवे, हुण मन की तमन्ना नहीं रही कि एक जिवें एक स्टार बनना, एक लैवल ते पहुंचना, पैसा अर्न करना, हुण दूजे दे दुखां विच उन्हां नूं खुशी दे के जो आनंद आउंदा आ वह एक कलाकारी, मेरे ख्याल सही कलाकार उही समझ सकदा, जरूरी नहीं कि कलाकार को कार होवे, उदों कला होनी बहुत जरूरी है दूजे नूं खुश करन। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ? ਉਹ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ, ਐਕਚੁਲੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਘੁੰਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, BSP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸੋਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਦੋ ਅਮਦਾਜ ਜੀ, ਕਲਿੱਕ ਦੋਗੇ ਸੁਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਟਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਏ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੇਚ ਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਵੇਚ ਹੈ, ਵੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਸਤੋਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਨੀਏ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਚਾਰ ਦੇ, ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨੀ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਲੱਕ, ਓਏ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਦੱਬ ਲਿਆ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਡੋਲਿਆ ਨੀ ਹਾਲੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਡੋਲਿਆ ਨੀ ਹਾਲੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਲੜਾਂਗੇ, ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੌਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਰੌਲੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਛਾਈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰੌਲਾ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, 17-18 ਜਨਵਰੀ ਹਾਂਜੀ 17-18 ਜਨਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ 5-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆੜੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ,
और लगातार लगे रहे। सूरी साहब की जिहड़ी सोच है बड़ी अच्छी है, बरीक तो बरीक निक्की तो निक्की गल दे उत्ते आउंदे आ, टेबल टॉक हुंदी आ और उस तो बाद असीं उहनूं फाइनलाइज करदे आ। ते साडी सारी टीम एक्चुअली पंक्चुअल रही, इन टाइम आउंदे रहे तां ही अपना शूट नेपरे चले। पहले दिन नहीं दूजे दिन टाइम पहले दिन नहीं तो चलो खैर हुंदा रहिंदा क्योंकि टिकट 40-50 मेंबर दा क्रूज हुंदा, कोई कितेओं आउंदा, कोई अमृतसरों चंडीगढ़ों, पर फिर भी सारयां ने अपनी बाखूबी सारयां ने अपने रोल अदा कीते। और सब तो पहला इन्हां ने लिखिया बहुत अच्छा और उस तो बाद भाजी हुणा ने म्यूजिक इन्ना अच्छा कीता कि सारी टीम मजबूर होई कि एक अच्छा कंटेंट बनाउणा, एक अच्छी चीज बनाउणी आ। और ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਏ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ। ਜੀ ਟੀਵੀ ਟੀਮ, ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮਚੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਲਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਲੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਟੀਮ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਿਆ, ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਐਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੀਪਾ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ, ਥਰਡ ਡੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਪਠਲਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਮਦਾਦ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ 92 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਜੋਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਡੱਖਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਗਾਣਾ ਸਿਰਜਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਰਟਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਢਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਰਟਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੋ
इस लिरिक्स वाइज दिनेश जी ने सारा तो क्लियर कर चुके हैं और मैं तो यही कहांगा कि मेरे लिए बहुत अच्छा ये तजर्बा रहा इन्हां दे नाल काम करना। बाकी सोनू वीरा इन्होंने साडा पहलों तो साडा बड़ा अच्छा साथ बनया है, अनेक गाने असं इकट्ठे कर चुके हैं और मैं पूरी पूरी ये उम्मीद है कि साढ़े इस गाने नूं भी प्यार मिलेगा जी। और जिन्हें भी इत्थे दर्जा बदर्जा छोटे वड्डे जिन्हें भी तुसीं आए हो तो उन्हां दा मैं तहे दिलों शुक्रगुजार। नाल दी नाल मैं एक चीज बिच गाने च ऐड करना चाहूँगा कि जिवें अजकल इलैक्शन का टाइम चल रहा तो लोगों के धारणा बनी हुई कि लोगों के नहीं जिहड़े कैंडीडेट कैंडीडेट के धारणा बनी हुई कि जिन्ना चिर असीं दारू नहीं बनते उन्ना चिर असीं जित नहीं सकते, बट इस गाने के मैसेज मिलेगा कि बिना दारू तो भी इलैक्शन जीते जा सकते हैं जी। नाल दी नाल असीं नरोआ पंजाब टीम का बहुत 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 धन्यवाद करते जिन्होंने इस गाने वास्ते सानू बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सहयोग किया। नरोआ पंजाब का भी बहुत धन्यवाद करते विजय। थैंक यू विजय ने मैनू याद कराई गल। मैं एक गल जरूर कहनी चाहांगा किसी का की परसनल या टैक्नीकल की इशू आ सानू नहीं पता, लेकिन जो असी ये प्रोजेक्ट शुरू करना सी सनी जी सानू मिले सीगे सनी नरोआ पंजाब तो, और उस तो बाद उन्होंने साड़ी एक मीटिंग कराई सीगी बरजिंदर सिंह हुसैनपुरी जी के नाल, तो उस समय असी वर्क कर रहे सीगे हालांकि सिर्फ न्यूज़ ही कर रहे सीगे, तो हुसैनपुरी साहब ना मेरी डिस्कस हुई वो कहंदे कि तुसी घट कम कर रहे हो। मैं कहा जी मैं गाने ते प्लैन कर रहा, तो कहते फिर कर क्यों नहीं रहे। मैं क्या जी थोड़ा बजट का इशू आ, तो कहते जिते कितने रह जूगा कम उत्थे असी तुहाडी सपोर्ट करांगे। परसनली जे आप एज अ ह्यूमन गल करिए तो बहुत अच्छे ने, अच्छे इंसान ने, उन्होंने साडी हैल्प की है इस प्रोजेक्ट नूं, ताकि पहला तो एक असी इहनूं स्टूडियो लेके जाइए, उस तो बाद जे कितने अड़िया कम तो इहनूं आप जिहड़ा सैट पर लेके जाइए। हुण रिलीज़ कर रहे साडी तमन्ना जरूर सीगी बहुत सी कि हुसैनपुरी साहब इत्थे नाल बैठे होंदे असी उन्हों तो भी आशीर्वाद लेंदे, पर तुहानू पता है हालात कहो जे ने, लेकिन असी अरदास करते हैं वाहिगुरु अगे कामना करते हैं कि अपने परिवार में छेती परतन जी और जो उन्हों का मसला सॉर्ट आउट हो जाए, और उन्हों का थैंक्स करते हैं क्योंकि उन्होंने सानू जिहड़ा हैल्प की है। उन्हों की परसनल की लाइफ का इशू है उसके बारे असी बहुता नहीं जानते क्योंकि साडा राबता सिर्फ एज अ मीडिया कर्मी हुंदा एज अ पत्रकार ही हुंदा, लेकिन उन्होंने बिना साडा कंसैप्ट सुने हुए यह कहता कि आई ट्रस्ट यू और जिथे कितें भी तुहाडा गीत अड़दा आई एम ऑलवेज देयर टू हैल्प यू, तो उन्होंने हैल्प लिए असं उन्होंने सराहना करते उन्होंने थैंक्स करते जाते हैं। सिर्फ इन्ना कहना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ा कंफर्टेबल फील कराया रिकॉर्डिंग कराने च, पर इन्हों के होंदे हुए सैट से मैनू एक इदा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मैं अपने घर में नहीं हाँ, इं लगा कि मैं अपने डैडी के कोल ही हाँ क्योंकि कभी वो कपड़े पा ला यार छेती आ जा वे आ जा यार गड्डी खोल ला यार कपड़े बदल ला यार, क्योंकि उत्थे सिचुएशन हो जाती है जे तुहाडा जिहड़ा टीम दा जरनैल है जो स्ट्रिक्ट ना होवे तुहाडे नाल मतलब गल गल ते और ये गल विचार वटांदरा ना करे कि असीं लेट हो रहे हैं जां समय तो पिछे हट रहे हैं जां शॉट सही नहीं आया, तो मैनूं लगदा कमियां पेशियां रह जांदियां। ये एक चंगी चीज़ है कि असीं एक दूजे नाल उन्नी इक्की होके मैं गल इत्थे सूरी साहब दी विच रोकदा, मैं कहना चाहुंदा कि जदों मैं सूरी साहब नूं पहला मिलिया ना मैनूं ऐ लगा वी यार बंदा ना बड़ा गिण मिथ के चलता है पूरी गल से, पर जो ये अंदर का आर्टिस्ट देखा तो ये अंदर का इंसान देखा वाकई ये अज भी बच्चा है, तो ये मन च किसी ले भी वैद द्वेष भावना कुछ नहीं हैगी और आदर सत्कार के मामले जो शब्द ये को शायद वो साढ़े को भी नहीं सही रिस्पैक्टफुली हर एक बंदे सम्मान करता और कितने ना कि मालिक ने इनिया नियमत इन्ने मल्टी टैलेंटड बंदा लिखता भी आ अदाकार भी आ एक्टर भी बहुत अच्छा और पत्रकारी विच भी देखो तुहाडे शहर दे विच पूरी धूप आई पई आ। ये मैं कहना मालक कोई किसी खास रूह के उत्ते रहमत करता है नहीं क्योंकि सारे इन्ने गुण एक बंदे दे विच नहीं हुंदे, ते सब तो बड़ी गल है कि बहुत निघा मित्र भी आ कि इस बंदे की एक खासियत है कि इन्हें बहुते यार नहीं बनाए पर जिन्हें बनाए खरे बनाए आ, जिन्हां विचों साडा सोहन भरा आउंदा ते गुजर भरा आउंदा ये भी साडे सारी टीम ही आ, ते सो बाकी साडे आदरणीय साडे अंकल जी उन्हां दा दर्जा बड़ा उच्चा आ, ते मैं उन्हां दे दिलों थैंक यू करदा कि उन्होंने साडा सहयोग दिता इस प्रोजेक्ट दे विच, उन्हां दा आशीर्वाद ही सी कि अज असीं इत्थे बैठे हां अज इह प्रोजेक्ट नूं आपां डन कर रहे हां है ना। तो चलो उम्मीद है कि तुहाडे सहयोग नाल हुण इह गीत घर घर तक पहुंच जाएगा, तुसीं इत्थे पहुंचे हो कीमती समें चों समां कढ़िया। मैं कल्ले कल्ले वीर का थैंक्स करना चाहना वड्डियां दा और सारे ही वड्डे ने, शाम जी स्पैशल बलाचौर तो आए ने, महेश जी, जोवन,
श्वेत जी, अमित भाजी, परदेसी जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं इत्थे आए हो और फिर तो उम्मीद करदा कि तुसीं साडे गीत नूं घर घर तक पहुँचा दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक जी।